सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा शायद ना। ये तो आखिरी आशा का किरण है सुप्रीम कोर्ट। अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वहां हम जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। शिंदे का ऐसा मत है, शिंदे का ऐसा मत है, तुम शिंदे गुड ऑफिस पे कब्जा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? करने दीजिए, और क्या कर सकते हो। चोर होता है वो कहां भी घुसता है। अब जो और बड़ा चोर होता है उनको लगता है कि मैं देश का मालिक बन गया हूं, हाँ, लेकिन ये चौकीदार नहीं है, चौकीदार यहाँ की जनता है, मराठी जनता। सर, शिंदे गट असा म्हणतोय की तुमची खासदार की धोक्यात आहे, आम्ही तुम्हाला व्हीप जारी करणार आहोत। बात करते हैं उसके बारे में, क्या कहना चाहोगे एग्जैक्टली? आपको ये जो फिगर्स है वो कहाँ से पता चल रहे, क्योंकि काफी अपोजिशन जो है इसके ऊपर स्ट्रांगली रिटेलिएट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? रिटेलिएट कर रहे हैं। कौन कर रहा है सर? काफी जो बीजेपी के भी है, बीजेपी और शिंदे गुट तो करेंगे। मैं अपोजिशन नहीं बात सर। हाँ, वो तो करेंगे ही ना, क्योंकि मैंने सच बोला है। जो पार्टी, जो नेता, एक शाखा प्रमुख, वो लोगों ने रेड कार्ड बनाया है। रेड कार्ड इस राज्य में, इस देश में कभी रेड कार्ड नहीं बना था खरीद फरोश के लिए। अगर मुंबई का कॉरपोरेटर खरीदना है तो उसकी एक कीमत है 2 करोड़ रुपया। एमएलए को खरीदना है तो 50 करोड़ रुपया कीमत लगाई, रेड कार्ड लगाया है। एमपी है 75 करोड़, 75 करोड़, शाखा प्रमुख 50 लाख, उसके ऊपर और एक रेड कार्ड लगाकर एजेंट भी नियुक्त किए हैं और कमीशन पर काम करे एजेंट लोगों को तोड़ने के लिए। ये पहली बार देश की राजनीति में हो रहा है कि एक शिवसेना से टूटा हुआ एक गठबुट है, उसने अपना एक रेड कार्ड बनाया है। कहां से आता है पैसा? अब कहां है ईडी, इनकम टैक्स? कौन सी आइडियोलॉजी है कि लोग उनके बाद छोड़कर जा रहे हैं? ये एक रेड कार्ड के हिसाब से काम चल रहा है महाराष्ट्र के राजनीति में। अगर नहीं है तो अपने बच्चों की शपथ लेकर बोलिए ये नहीं है करके।